नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम चर्चा करेंगे न्यूरो सर्जरी के बारे में। न्यूरो से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं, या तो आप उसको ब्रेन हैमरेज के तौर पर देखते हैं, स्ट्रोक के तौर पर देखते हैं, या फिर ब्रेन ट्यूमर, या फिर ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो आपके सिर से जुड़ी हुई हैं, वो समस्याएं आखिर इसके होने के पीछे कारण क्या है और कितना कीमती वक्त लगता है इसको डॉक्टर के पास लेकर पहुंचने में, अगर आपको जिंदगी बचानी है। ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर एस के शेरेकर, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर से। डॉक्टर शेरेकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोसर्जन के तौर पर आपने काफी लंबा अनुभव किया है, बहुत सारी ऐसी सर्जरी या बहुत सारे ऐसे पेशेंट को ठीक किया है जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे या जिनकी जिंदगी को खतरा था। सबसे शुरुआत हम पहले यहीं से करते हैं कि न्यूरोसर्जरी यानी कि ब्रेन से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। न्यूरोसर्जरी एक मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड जो डिजीजेस, प्रॉब्लम्स और जो बीमारियां या तकलीफें होती हैं उसके बारे में ये एक साइंटिफिक मेडिकल ब्रांच है। इसमें ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड डिजीज और तकलीफों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो कॉमन चीज़ें जो न्यूरोसर्जरी में आती हैं या जिनका हमें डे टू डे उपयोग पड़ता है, जिन कारणों से हमें न्यूरोसर्जन से संपर्क करना पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे कॉमन चीज़ें होती हैं सिर की चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर, ट्राइजेमनल न्यूरालजिया इत्यादि। ऐसी बहुत सारी न्यूरोसर्जरी न्यूरो ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड चीज़ों में शामिल की जाती हैं। सामान्यतः जिन चीज़ों से हमें डे टू डे दो चार होना पड़ता है या आम आदमी का जिससे डेली का अनुभव होता है, वो कॉमन चीज़ें हैं सिर की चोट। मैं आपसे आज सिर की चोट के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी से चालू करना चाहता हूँ। देखिए, आप जानते हैं हमारे जो देश है ये बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक से होने वाले एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ सिर की चोट बहुत ज़्यादा कॉमन है और उससे होने वाले नुकसान, उससे होने वाले तकलीफ, उससे होने वाले जान माल के नुकसान एवं शारीरिक नुकसान का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा है। एक रिसर्च के द्वारा ये साबित हुआ है, यदि आप एक टू व्हीलर वाहन चलाते हैं जिसकी सामान्य गति 35 या 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस दौरान यदि आपका सड़क दुर्घटना होती है और आपने हेलमेट नहीं लगाया और आपके सिर पे चोट आती है, तो ये चोट उतनी ही तीव्र होगी जितना आप तीसरी मंजिल से गिरेंगे और आपको सर में चोट आएगी। अब आप इस बात का प्रमाण लगा सकते हैं कि यह कितनी गंभीर हो सकती है और कितनी घातक हो सकती है। डॉक्टर साहब, सिर की चोट का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है सिर में चोट अगर लगी है तो सिर के अंदर बहुत ज्यादा कहीं डैमेज होता है। कई बार यह होता है कि सिर में चोट बाहर तौर पर दिखती नहीं है लेकिन बाद में पता चलता है कि अंदर कहीं पर क्लॉट हो गया या कहीं पर जो नस है वो फट गई है या अंदर किसी हड्डी में नुकसान पहुंचा है। ये बहुत बाद में पता चलती है जब बॉडी में सिम्टम आने लगते हैं। तो ऐसे समय में आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि जिस समय पर चोट लगी है व्यक्तिगत तौर पे उस समय पर कैसी ऐसी जांच हो जाए ताकि पता चले कि हाँ हमारा जो ब्रेन है वो सेफ है। मैं आपके सवाल से पूरी तरह सहमत हूँ। होता यह है कि अक्सर हम सिर की और रीढ़ की हड्डी की चोट को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी एक कॉमन भ्रांति या एक हमारा एक परसेप्शन है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ऊपरी खरोच नहीं आई, बाकी कोई दिक्कत नहीं, और हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि ये बाद में जाके गंभीर रूप ले लेती है। अपने सिर की चोट में किसी भी तरीके से सर में चोट आने पे, सर दर्द होने पे, उल्टी आने पे, चक्कर आने पे, नाक कान से खून निकलने पे, या मिर्गी या फिट के झटके आने से, या कई मौकों पे किसी अन्य विशेष लक्षण के अलावा भी अगर आपको ऐसी कोई विशेष तकलीफ नहीं है तो भी आप अपने न्यूरोसर्जन अथवा मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ से अवश्य मिले, ताकि यदि उसे लगता है जाँच करने पर, क्लिनिकली ये देखने पर या समझने पर कि भाई इसमें किसी तरह की कोई संभावना हो सकती है, तो वो आपको आवश्यक सलाह देगा, चाहे सीटी स्कैन अथवा एमआरआई के थ्रू, और ये जाँच करके सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी तरह की कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है, ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके और उससे होने वाले नुकसान तथा उससे होने वाले जो शारीरिक तकलीफों से अपन बचा जा सके। तो मैं हमेशा अपने दर्शकों को यह सलाह दूंगा कि सिर की चोट एवं रीढ़ की हड्डी की चोट को कभी हल्के में ना ले,
किसी भी परिस्थिति में अगर आपको जरा भी ऐसा लगता है कि भाई इसमें अपने को चोट लगी है या इससे संबंधित अपने को तकलीफ है, तो अपने डॉक्टर से एवं मस्तिष्क विशेषज्ञ से अवश्य मिले और उसके मार्गदर्शन, अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन के अनुसार जो भी चीजें एडवाइस की जाती है, चाहे जांच सीटी स्कैन अथवा एमआरआई, उसका जांच को कराएं और उसका निराकरण करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ब्रेन पे एक तो सिर पे चोट, एक कॉमन जो चीजें आपने बताई महत्वपूर्ण बात थी वो जागरूकता के लिहाज से भी आपने मैसेज दिया, लेकिन कई बार ये होता है कि बहुत हेल्दी है, यंग जनरेशन है और अचानक से पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर है या सिर में दर्द होने लगा, अचानक से उल्टियां होने लगी, तो क्या बॉडी में पहले से ऐसा कुछ नहीं पता चलता और ब्रेन ट्यूमर होने के पीछे आखिर कारण क्या होता है? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि भाई बहुत सीवियर किसी को तकलीफ हुई, बहुत सीवियर सर में दर्द हुआ तो उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया या ब्रेन हेमरेज हो गया, उससे संबंधित कोई लक्षण हो गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ब्रेन ट्यूमर में आपको किसी खास तरह के लक्षण मिलेंगे, लेकिन सामान्यतः जो लक्षण पाए जाते हैं वो सर दर्द होता है, उल्टी आती है, मिर्गी इफेक्ट के झटके आते हैं या एक तरफ पैरालिसिस का असर होता है, ये सामान्य लक्षण होते हैं। पर इसका मतलब कतई ये नहीं कि यदि आप में से किसी को इस तरह के लक्षण है तो इसका मतलब आपको ब्रेन ट्यूमर ही है। ये बहुत सी अन्य बीमारियों में भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, परंतु यदि इनमें से कुछ अपने को होता है तो इसको नजरअंदाज ना करें। जैसा मैंने आपसे पहले कहा है, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और आवश्यक जांच कराएं और आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करें। जैसे आपने कहा कि ब्रेन ट्यूमर कई प्रकार के होते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कभी अनुवांशिक होते हैं, कभी किसी और शरीर के किसी और भाग से कैंसर आकर के ब्रेन में आ जाता है, या कई मौकों पे दिमाग की जो झिल्लियां रहती है उसमें ट्यूमर का प्रमाण आ जाता है, ऐसे बहुत से कारण होते हैं। अब ट्यूमर क्या है, किस तरह का है या उसका क्या इलाज है, क्या संभावना है, अपन उस पर चर्चा करते हैं। सामान्यतः ब्रेन ट्यूमर जो है दो प्रकार के माने जाते हैं, एक वो जिसमें कैंसर का कंपोनेंट होता है, एक वो जो कैंसरस नहीं होते हैं। ये दोनों ही एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं ट्यूमर शब्द का समझाना चाहूं तो वो ऐसा होता है कि जो ब्रेन अथवा शरीर की कोई मस्तिष्क की कोई कोशिका जो असामान्य रूप से बढ़ना चालू करती है तो एक गांठ का रूप ले लेती है, जिसे हम सामान्यतः ट्यूमर कहते हैं। ये एक कैंसरस भी हो सकती है, नॉन कैंसरस भी हो सकती है। क्योंकि मस्तिष्क जो हमारा एक क्लोज हड्डी में, जिसे हम स्कल अथवा खोपड़ी कहते हैं, उसमें चारों तरफ से बंद है, तो इसलिए किसी भी तरह की असामान्य ग्रोथ अथवा ट्यूमर के कारण जो दिमाग का सामान्य हिस्सा है उस पर दबाव होना चालू होता है और उसके परिणाम स्वरूप दिमाग का कार्य प्रणाली जो है वो अफेक्ट होती है और उसके लक्षण अपने को उत्पन्न होते हैं। इसीलिए किसी भी तरह के ऐसे लक्षणों में या संभावना के जिन मरीजों में अपने को ट्यूमर की संभावना है या ट्यूमर डायग्नोज हो चुका है, उनको बिल्कुल नजरअंदाज न करें, आवश्यक जांच कराएं और आवश्यकता पड़ने पर उसका ऑपरेशन भी कराएं। ऐसा कतई नहीं है, ये सामान्यतः देखते हैं हम मीडिया में, फिल्म में, कि भाई ब्रेन ट्यूमर आ गया तो जीवन खत्म है या फिर आगे इसका कोई उम्मीद नहीं है या इसका इलाज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उचित समय पे डायग्नोस किया गया, उचित समय पे ट्रीटमेंट किया गया ट्यूमर का, अगर संपूर्ण तरह से निकाल दिया जाए तो लॉन्ग टर्म जीवन एज गुड एज नॉर्मल इंसान जैसा हो जाता है और उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से अपन बच सकते हैं। बिल्कुल। किसी कारणवश यदि ये ट्यूमर कैंसरस भी पाया जाता है तो भी इसको काफी हद तक ऑपरेशन से निकाला जा सकता है और ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी अथवा रेडियोथेरेपी, जिस भी प्रकार का ट्यूमर हो उसका आगे सा इलाज संभव है। बिल्कुल। इन सब चीजों में सावधानी बरतते हुए अगर अपन इलाज करेंगे तो आगे आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं और ट्यूमर के होने वाले गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ट्यूमर के बारे में काफी विस्तार से आपने चर्चा की, लेकिन ब्रेन की सर्जरी के नाम से ही लोगों के मन में डर होता है और कई बार जो क्या पूरा जो ट्यूमर है क्या हर बार जरूरी है कि वो सर्जरी से ही ठीक होता है? क्या मेडिसिन या दूसरी चीजों से भी ये क्योर हो सकता है क्या? ट्यूमर जो गांठ होती है ये अपनी किसी तरह की कोशिकाओं का असामान्य रूप से बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, अब इसमें सवाल होता है इसका उपचार क्या संभव है। ये डिपेंड करता है किस तरह का ट्यूमर है और उसकी कोशिकाएं कैसी हैं। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें हार्मोनल थेरेपी या विशेष तरह की कुछ दवाइयां रहती है जिनके प्रमाण के कारण ट्यूमर का जो साइज है वो कम किया जा सकता है या उसका बढ़ना रुका जा सकता है। लेकिन उसका इस तरह के ट्यूमर जिसमें हार्मोनल थेरेपी या किसी तरह की दवाइयों के ग्रोथ के कारण उसको रोका जा सकता है, ये सामान्यतः कम ही होते हैं। ठीक है, दूसरे जो सामान्य ट्यूमर होते हैं जिसमें दवाइयों का रोल नहीं होता, मोस्टली इसमें सर्जरी का रोल होता है और आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में इसमें स्टीरियोटेक्टिक रेडियो सर्जरी नाम की एक विधा भी आ गई है जिसमें रेडिएशन के द्वारा भी ट्यूमर को अंदर से बुलाया जा सकता है और उसका साइज कम किया जा सकता है और उसका बढ़ना रोका जा सकता है।
बिल्कुल, ब्रेन स्ट्रोक है, पैरालिसिस है या इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं, ये भी आज हम देखते हैं तो बहुत कॉमन हमको लगता है कि इसके पेशेंट भी अब ज्यादा आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण होते हैं मुख्य तौर पर? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया, यह एक सामयिक सवाल है। आज की तारीख में, आज के समय में आपने देखा है कि हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से में ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा है और ठंड के दिनों में खासतौर पर ब्रेन स्ट्रोक अथवा हार्ट से रिलेटेड समस्याएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। सामान्य तौर पर ठंड के कारण हमारा शरीर ठंड को प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया इस तरह से देता है कि ठंड के कारण हमारी जो खून की रक्तवाहिकाएं हैं वो संकुचित होती हैं, वो सिकुड़ती हैं, जिसके चलते ब्लड प्रेशर बढ़ता है तथा खून का संचार कम होता है। इस तरह से ब्रेन स्ट्रोक दो कारणों से होता है, या तो वो जिसमें खून का थक्का जम जाता है, या ऐसे कारण जिसमें खून की नस फट जाती है ब्लड प्रेशर होने के कारण। इन दोनों ही परिस्थितियों के चलते शरीर के आधे अथवा पूरे हिस्से में लकवा लगता है और कई मौकों पर दिमाग के मुख्य हिस्से में जहां से इंसान की जान का असर होता है, अगर उन जगहों पर आता है तो जान का भी खतरा उत्पन्न होता है। ब्रेन स्ट्रोक आज की तारीख में बहुत सारी चीजों के कारण होता है, जिसका कुछ कॉमन कारण जो है हमारे यहाँ पाया जाता है, सबसे कॉमन कारण है कि भाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों का नियमित रूप से सेवन ना करना। बहुत से मरीज हमने देखे हैं जिनको बहुत समय से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चलती हैं परंतु वो उसमें लापरवाही बरते हैं, अपनी दवाइयों का सेवन नहीं करते और कभी कभार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर एकदम से इतना बढ़ जाता है जो ब्रेन हेमरेज का रूप ले लेता है। इन चीजों से बचने के लिए कुछ बेसिक पॉलिसीज हैं, बेसिक डिक्टम्स हैं, उसे ध्यान रखें। हम इसे आम भाषा में कहते हैं बी फास्ट। बी यानी कैसे, मैं इन दो शब्दों से आपको बताना चाहता हूं कि भाई किस तरह से स्ट्रोक से रिलेटेड चीजों को पहचाने और उस पर से क्या एक्शन लें। बी यानी बैलेंस का बिगड़ना, ई मतलब आईज में देखने में दिक्कत आना, एफ मतलब चेहरे का टेढ़ापन फेशियल पैरालिसिस, ए मतलब आर्म्स हाथ पैर में कमजोरी का आना, एस मतलब स्लरिंग ऑफ स्पीच जबान का लड़खड़ाना, और टी मतलब टाइम, यानी टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। जरूर इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत अपने अस्पताल में संपर्क करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और समुचित इलाज लें। ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस के केसेस में समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुरुआती जो 4-6 घंटे या 8-10 घंटे होते हैं जिसमें ब्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उन परिस्थितियों में सबसे पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होता है और ब्रेन का जो बचाव हुआ है या जो जिस हिस्से में डैमेज नहीं हुआ है, जिस हिस्से में पैरालिसिस नहीं हुआ है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई तथा वहाँ पे खून का संचार जो है उसको समुचित रूप से मेंटेन करना अति आवश्यक होता है। यदि हम समय पर अस्पताल पहुँचते हैं, समय पर इलाज करते हैं, तो जो नुकसान हमारा ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस हो चुका है उसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं और उससे होने वाले सेकेंडरी नुकसान को काफी हद तक बचा सकते हैं। ये भी हमने अक्सर देखा है, कॉमन चीजें पाई जाती हैं, एक आम आदमी की भाषा में यदि ब्रेन हेमरेज हो गया तो उसका जीवन आगे कोई गुंजाइश नहीं है अथवा इसके बचने की गुंजाइश बहुत कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेन हेमरेज के भी कई प्रकार के प्रमाण होते हैं, कुछ छोटे, कुछ मध्यम साइज के और कुछ बहुत बड़े साइज के, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि दिमाग के किस हिस्से में ब्रेन हेमरेज है और उसके साथ मरीज की बाकी समस्याएं क्या है, बाकी कोमॉर्बिडिटीज अथवा बाकी बीमारियां क्या है। कई मौकों पर यदि ये छोटा ब्रेन हेमरेज है तो ये दवाइयों के द्वारा अथवा वेंटिलेटर और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के द्वारा अपने आप घुल जाता है और मरीज धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करता है। कई मौकों पर अगर ये मीडियम से लार्ज साइज का है या फिर बड़े साइज का है या दिमाग पर इसका सूजन का असर है अथवा दवान का असर है तो ऐसे केसेस में ऑपरेशन की भी आवश्यकता होती है। ऑपरेशन करके खून के थक्के को निकाला जाता है ताकि जो दिमाग का नॉर्मल हिस्सा है जिस पर दवान अथवा सूजन का असर आ रहा है उसको डिकम्प्रेस किया जा सके, उस पर सूजन का दबाव को कम किया जा सके ताकि वह जो नॉर्मल हिस्सा है वो अपना सुचारू रूप से काम कर सके और मरीज की जान बचाई जा सके। ब्रेन हेमरेज के ऑपरेशन में भी काफी सक्सेस रेट है। ऐसा कतई नहीं है कि ऑपरेशन के बाद मरीज की जान बचना नामुमकिन है या जान बचना मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उचित समय पर इलाज किया जाए, प्रॉपर ऑपरेशन हो, प्रॉपर सपोर्टिव केयर या आईसीयू केयर और सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिले तो ऐसे पेशेंट भी स्वास्थ्य लाभ करते हैं और बहुत सारे पेशेंट अपना समय के अनुसार धीरे धीरे एज गुड एज नॉर्मल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, दो चीजें आपकी बातों से निकलकर सामने आ रही है, वो ये एक तो उचित समय और दूसरा प्रॉपर टाइम पे उनका ट्रीटमेंट होना या फिर एडवांस जो टेक्नोलॉजी आज यूज हो रही है। सबसे पहले थोड़ा समय पर हम चर्चा कर लें। आज भी लोगों में अवेयरनेस कम है, अगर हम ग्रामीण इलाकों में देखें, शहर की अगर हम बात ना करें, तो पैरालिसिस का अगर अटैक आता है तो घर में ही मालिश करना, तमाम हथकंडे अपनाना, उस चक्कर में इतना लेट हो जाता है कि जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक वो फुल टाइम या हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो चुका रहता है। तो क्या मैं ये आपसे जानना चाह रही थी कि अगर किसी को फेशियल पैरालिसिस है, बॉडी पैरालिसिस अगर हुआ तो उसको कितने घंटे में पहुंचना जरूरी है, एक इन्फॉर्मेशन आप दीजिए ताकि वो वापस अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकता है क्या? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। इस तरह के केसेस में जो शुरुआती 4 घंटे होते हैं वो गोल्डन आवर्स कहलाते हैं।
ठीक है, सर से जुड़ी हुई किसी भी समस्या में, चाहे वो ब्रेन हेमरेज हो या सर की चोट की समस्या हो या पैरालिसिस का सर हो या ब्रेन हेमरेज हो, शुरुआती 4 घंटे में मैक्सिमम डैमेज होता है और शुरुआती 4 घंटे के अंदर जितने मरीज पहुंचते हैं उनमें अगर समय पर इलाज मिलता है तो उनमें होने वाली तकलीफ, मोर्टैलिटी या मॉर्बिडिटी, जैसे हम कहें कि जिनमें जान जाने का प्रमाण अथवा शारीरिक रूप से अपंगता का प्रमाण, ऐसे पेशेंट्स में काफ़ी हद तक कम होता है। इसीलिए मैंने कहा ब्रेन और मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई समस्याओं में समय ही इलाज है। यदि आप समय पर उचित जगह उचित इलाज प्राप्त करते हैं तो डेफिनेटली आपको होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आपने एक बिल्कुल सही सवाल कहा कि हमारे गांवों में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आज भी बहुत से मरीज हैं जो पैरालिसिस होने के कारण झाड़ फूँक करवाते हैं, अथवा ये एक और चीज़ बहुत कॉमन पाई गई है कि भाई पैरालिसिस हुआ तो केरोसिन पिला दिया या फिर कोई दूसरी तरह की कोई चीज़ ऐसी पिला दी जिससे फ़ायदा होने के बजाय और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आज भी कॉमन आदमी में पैरालिसिस को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ एवं अंधविश्वास फैले हुए हैं। मेरा सभी से ये निवेदन है कि बिल्कुल इन सब चीजों में ना पड़े, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसका समुचित इलाज लें। ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस ये लाइलाज नहीं है, समय पे इलाज करेंगे तो इसका समुचित इलाज होता है और मरीज स्वास्थ्य लाभ करता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एज ए न्यूरो सर्जन आपने बहुत सारे केसेस किए हैं, कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी आपने ठीक किया है और वो व्यक्ति स्वस्थ रहा है। अगर पहले की तुलना में आज के समय में हम ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी पर चर्चा करें, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी पर अब न्यूरो सर्जरी हो रही है, इसका जो आउटकम है वो हमको सही तरीके से मिल पा रहा है, कितने परसेंट? जब से मोबाइल का दौर आया है तब से कंप्यूटर और मोबाइल के चलते बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बहुत इजीली एक्सेसिबल है और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें हैं वो हेल्थ में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। मैं आपको उन दिनों की याद दिलाना चाहूँगा, बहुत से शुरुआती दिनों में जब न्यूरो सर्जरी हुआ करती थी तब सीटी स्कैन की भी उपलब्धता बहुत कम थी। ऐसे मरीजों में बिना सीटी स्कैन के डायग्नोसिस करना और उसके अनुसार ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल प्रतीत होता था, पर आज की तारीख में सीटी स्कैन अथवा MRI ये बिल्कुल बेसिक मोडालिटीज है जो ऑलमोस्ट हर अस्पताल में और हर जगहों पर उपलब्ध है, जिसके चलते प्रॉपर डायग्नोसिस और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। एक ही जगह पे अगर एक ही छत के नीचे अगर सीटी स्कैन MRI उपलब्ध होता है तो ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है मरीज के ट्रीटमेंट में। ये खास तरह की चीज़ें और एक डेडिकेटेड ICU और सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो होता है ये क्रिटिकल केयर में शेल्बी जैसे हॉस्पिटल्स में इनका काफ़ी विशेष महत्व हो जाता है। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा आपसे आज की तारीख में होने वाली एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो आजकल जो कुछ लेटेस्ट चीज़ें जो चल रही हैं वो ये हैं, एक तो दूरबीन की पद्धति के द्वारा ऑपरेशन, दूसरा होता है इमेज गाइडेड नेविगेशन। अब मैं दोनों पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। दूरबीन के बारे में आपने, एंडोस्कोप के बारे में आपने सुना होगा, इसमें एक छोटे से चीरे से दूरबीन अथवा एंडोस्कोप को शरीर के अंदर डाला जाता है और एक छोटी सी जगह जहाँ पे अपने को तकलीफ है या जिस जगह का अपने को इलाज करना है उसका ऑपरेशन किया जाता है और मरीज को स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। चूंकि चीरा बहुत छोटा होता है और दूरबीन से अपने को अपेक्षित आराम मिलता है, उसमें होने वाला ब्लड लॉस, उसमें होने वाला हॉस्पिटल का स्टे और उसमें होने वाली जो तकलीफें वो भी काफ़ी हद तक कम होती हैं, इसलिए मरीज को जल्दी स्वास्थ्य लाभ होता है और चीज़ें बेहतर होती हैं और मरीज जल्दी अपने घर जाता है। बिल्कुल। दूसरी मैं चर्चा करना चाहूँगा इमेज गाइडेड नेविगेशन की। इसे मैं आम आदमी की भाषा में ऐसे समझाता हूँ कि भाई जिस तरह से किसी मरीज को अगर कोई तकलीफ है, किसी तरह का हेमरेज है या ट्यूमर है, तो हम उसका सीटी स्कैन अथवा MRI करके उसकी जांच करते हैं कि भाई इसको ये हेमरेज है या इसको ये ट्यूमर है। इस इमेज को कंप्यूटर गणना के थ्रू जब ऑपरेशन के दौरान मरीज के ऊपर एग्जैक्टली मैप किया जाता है तो मशीनों के द्वारा और कंप्यूटर के द्वारा ये एग्जैक्ट बताया जाता है कि मस्तिष्क के इस हिस्से में इस पॉइंट पर मरीज को ट्यूमर है, इतनी डेप्थ में अपने को ट्यूमर मिलेगा। वंस अगेन इसका फायदा यह है कि मरीज में ऑपरेशन में होने वाला जो समय है वो भी बचता है, ऑपरेशन में जो होने वाली जो चीरा लगता है वो भी कम होता है और प्रिसाइज लोकेशन से बिना नॉर्मल टिश्यू को टच किए ट्यूमर टिश्यू अथवा ब्रेन हेमरेज का टिश्यू जो क्लॉट है उसको निकाला जाता है और मरीज को स्वास्थ्य लाभ होता है। ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जैसे इमेज गाइडेड नेविगेशन या दूरबीन पद्धति और या स्टीरियोटेक्टिक फ्रेम बेस्ड नेविगेशन, ये आजकल लेटेस्ट पाई जाती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो न्यूरोसर्जिकल फील्ड में डेवलप हो रही। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारी बीमारियों के लिए ये कहा जाता है कि बीमारी होने से बेहतर है कि आप उसके बचाव के उपाय कर लीजिए या समय पर जांच करा लीजिए या ये कर लीजिए तो आपको ये नहीं होगा, लेकिन ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे स्ट्रोक है, चाहे ट्यूमर है या जो भी समस्याएं हैं, इनसे बचाव के लिए क्या हम अपने लाइफ स्टाइल को कुछ कर सकते हैं या इनसे जिस कारण से बीमारियां हमको हो सकती हैं उनसे बचाव के लिए कोई उपाय है क्या? बहुत सारी बीमारियां चाहे वो न्यूरो से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो, ये हमारी दैनिक दिनचर्या में लापरवाही के कारण ही चालू होती है।
जैसा मैंने अभी आपको दो एग्जांपल दिए, एक एग्जांपल था जिसमें ब्रेन हेमरेज होता है या पैरालिसिस का असर होता है, जिसमें सबसे कॉमन कारण होता है कि भाई हम अपनी हाइपरटेंशन अथवा बीपी की दवाइयों का नियमित रूप से सेवन नहीं करते। आम आदमियों में, लोगों में पाया जाता है, नहीं हमें ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई इसलिए हमने बीपी की दवाई बंद कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन बीपी ऐसा बढ़ता है कि मरीज को ब्रेन हेमरेज हो जाता है अथवा पैरालिसिस का असर हो जाता है। उसी तरीके से जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि सिर की चोट में ये भी एक बहुत कॉमन कारण है कि हम गाड़ी चलाते वक्त अथवा मोबाइल अथवा कार चलाते वक्त हम मोबाइल का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। आज की तारीख में हम मोबाइल में इवन टेक्स्ट मैसेज करने की भी कोशिश गाड़ी चलाते वक्त करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क दुर्घटनाएं भी काफी हद तक बढ़ गई। ये तो दो चीजें मैंने जो आपको बताई, ये जो डेली जो आम जनता के बीच में पाई जाती है, हमारे आपके बीच में पाई जाती है, ये वो चीजें। इसके अलावा जो चीजें हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि किसी भी तरह के व्यसन का सेवन ना करें, जैसे तंबाकू का, सिगरेट का, शराब का। शराब से होने वाले एक्सीडेंट अथवा सिगरेट से होने वाले कॉम्प्लिकेशन वो भी काफी हद तक इन चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसी तरीके से ये देखा गया है, हमने आज तक की आजकल की लाइफस्टाइल में लोग कसरत बिल्कुल नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिस वर्क है एवं घर में आराम करते, जिसके चलते भी बॉडी में वीकनेस आती है, बॉडी में तकलीफें डेवलप होती है, कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। नियमित रूप से कसरत करें, व्यसन का सेवन ना करें, सुरक्षा उपकरणों का पालन करें तथा अपनी बीपी अथवा जो जांच से रिलेटेड चीजें बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने जितनी भी बातें बताई उसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यही है कि सबसे जिम्मेदारी आपको अपनी लेनी होगी कि आपको अपने सिर पे चोट ना लगे, इसलिए हेलमेट का इस्तेमाल करें अगर आपको न्यूरोसर्जन के पास नहीं जाना है। ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो नियमित चेक कराइए और बीपी की दवा को स्किप ना करिए, भ्रांति ना पालिए ताकि आगे चलकर किसी तरीके की न्यूरो से जुड़ी प्रॉब्लम हो। बहुत अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हेल्थ गुरु में आज हमने चर्चा की कि सर की चोट या दूसरी जो मेडिसिन है उसको स्किप करने की वजह से जो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है उसका असर या तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए आपकी अपनी जिंदगी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसको संभाल कर रखें और जो भी डॉक्टर्स गाइडलाइन का पालन करने कहते हैं उसका पालन जरूर करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।